दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो दुनिया में खुशनसीब लोगों के पास होती है अलर्ट रहते हैं अलर्ट अलर्ट रहते हैं एनी टाइम एनी टाइम सतर्क रहते हैं अलर्ट रहते हैं और अपने आप को शांत करने का तरीका ढूंढ करके अपने आप को अलर्ट रखते हैं अपने आप को सबसे पहले तो पीस रखना और फिर अलर्ट रखना मेरे दादाजी मुझे बचपन में कहते थे बेटा भारत की जलवायु गर्म है तो मैं सर्दियों में कहता था दादाजी आपका दिमाग खराब है कितनी सर्दी पड़ रही है आप बोल रहे हो भारत की जलवायु गर्म है बेटा तू नहीं समझेगा जब मेरी उम्र उमराद दस साल थी तब मैं कहता था नहीं nah, दादाजी आप सही नहीं कह रहे हो जब मैं बीस साल का हुआ तब मेरे को बात समझ में आई दादाजी ने बोला बेटा तू बैंगन को फ्रिज में भी रख देगा ना और उसको खाएगा तो गर्मी करेगा बैंगन गर्मी करता है ये बात भी पता ठीक नहीं थी आपको ये भी जानकारी लेते जाओ बीच बीच में आप <laughs> मैं समझ गया मैंने कहा दादाजी अपने भारत की जलवायु गर्म है इस रेखा को मैं समझ गया पूरी विश्वत रेखा को कि हाँ जलवायु गर्म है मैंने कहा लेकिन ये बार बार मुझे क्यों कहते हो तो वो मुझे कहते थे बेटा इसलिए कहता हूं जिन देशों की जलवायु गर्म होती है जिन देशों की जलवायु गर्म होती है वहां गरीब लोग ज्यादा होते हैं वहां अमीर और कामयाब होना मुश्किल होता है ओ हो हो इसके पीछे क्या विज्ञान उन्होंने बोला जहां जलवायु गर्म होती है वहां क्रोध जल्दी आता है वहां अहंकार जल्दी आता है साला में तो सांप बन गया ये जल्दी आता है हम चोड़े बाजार सकड़े ये जल्दी आता है जहां जलवायु गर्म हो वहां पे अलर्टनेस नहीं आती वहां पे आलस ज़्यादा आता है जैसे गर्मियों की दोपहरियों तो कसरत करने का मन करता है कि सोने का मन करता है जब जब दुनिया में जलवायु गर्म होती है तो आलस पैदा होता है उन्होंने कहा था दिमाग को ठंडा रखना जुबान पे शक्कर रखना और पाओ में चक्कर रखना तब तू अमीर और कामयाब बनेगा <laughs> उनकी बात को मैंने माना उनकी बात को मैंने माना उनकी बात को फॉलो किया और बात समझ में आ गई माथा ठंडा जुबान पे रिकॉल रिकॉल। नहीं, एक्टिव रिकौल। रिकौल। जुबान पे? में? आपको अमीर बनना नहीं पड़ेगा प्रकृति को बनाना पड़ेगा आप सतर्क हो जाते हैं अलर्ट हो जाते हैं आप अपने जीवन में ज्ञान के लिए सतर्क रहते हैं वो लोग लोग कहते भाग्यशाली है लोग कहते भाग्यशाली है दे... पढ़ाई कितनी की है अरे देखो तो सही उसने ट्रेनिंग्स कितने लिए अरे उसका अतीत जाके पढ़ो तो सही उसने इसने फर्श पे रह के भी ट्रेनिंग लिए उसने रात दिन लोगों से सिखा है कामयाब लोगों की जिंदगी में उसको इतनी बे इंतहा मोहब्बत होती थी वो लोगों को सुनता था देखता था समझता था उनकी नकल करने का प्रयास करता था उनके गुणों को लेने का प्रयास करता था अलर्ट रहता है अलर्ट मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं पिछले बीस साल में मैं रुका नहीं थका नहीं कभी जिंदगी में मायूस नहीं हुआ उदास नहीं हुआ तो समझ में आया अलर्टनेस है मुझ में और अलर्टनेस मुझ में है ये बात मुझे तब तक पता नहीं चली थी जब तक मैंने बुक नहीं पढ़ी थी मैं तो चल रहा था दो लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चला दी और मेरे को तो आनंद आ रहा है मोटरसाइकिल चलाने में लाख किलोमीटर कारें चला दी मेरे को तो आनंद आ रहा है मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा एक दिन हमें मुंबई जाना था अचानक ओलाया ना ट्रेन मिली ना फ्लाइट मिली यहां से हम पांच दोस्तों ने इनोवा उठाई उन सब ने कहा अरे चलो यार अब बारह सौ किलोमीटर है तो अपन ऐसा करेंगे बारी बारी देख लेंगे अभी शुरू मैंने कहा देख लेंगे पहले मेरे को दो फिर चालू फिर तुम ले लेना ले रास्ते में सुबह छह बजे रवाना हुए रात को नौ बजे मैंने उनको जगाया उठ जाओ मुंबई आ गई उठ जाओ मुंबई आ गई वो बोले साला तू तू पूरा थेट लिया और क्या तेरे को रास्ते में छोड़ता क्या अरे अलर्ट अलर्ट इस इस टाइम में महीने में 25 दिन फ्लाइट्स ले रहा हूं लगभग 50 फ्लाइट अगर एक महीने में ले लें तो जेट लेक हो जाता है चारों तरफ से आदमी कुकड़ी हो जाता है क्योंकि ये ना भी ऊपर चढ़ती है फिर नीचे उतरती है फिर चढ़ती है फिर ऊंचे उतरती है जो रोज फ्लाइट लेता ना उसका ही जीव जानता है जिसने कभी नहीं देखा उसको लगता है चील गाड़ी चील गाड़ी वो गाड़ी वाले को पता है, वो चील गाड़ी कितनी चोंच मारती है अलर्ट अलर्ट जो लोग जिंदगी में अलर्ट रहते हैं दुनिया तो उन्हें भाग्यशाली कहती है लेकिन जो अलर्ट होने लग जाए वो भाग्यशाली बन जाते हैं क्योंकि परिस्थिति परिस्थितिजन्य भाग्य का निर्माण किया जा सकता है आप अपने भाग्य का खुद निर्माण कर सकते हो आज ये बातें बताने के बाद नहीं करते हो तो ध्यान रखना। ध्यान रखना कभी दुनिया में अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत बता देना आप दुर्भाग्यशाली नहीं आपने अपने कर्मों के खुद नहीं मारिए अपना भाटा खुद नहीं फोड़ा है आप अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना दुनिया के जितने लोग भाग्यशाली जो कहे जाते हैं अलर्ट थे अलर्ट सतर्क एनी टाइम जैसे अभी भारतीय सेना है सतर्क ना कितनी मिनट पे सतर्क दो मिनट अब दो मिनट का मतलब समझते हो वो कहां बैठा है सीट पे बैठा है सीट पे बैठा है सारे कार्यक्रम वही हो रहे हैं मिराज से लेके और ये सारे जितने अपने हैं ना वायुसेना के फाइटर प्लेन टोटल निशाना साध के दो मिनट के कॉल पे बैठे हुए हैं इसको बोलते हैं अलर्टनेस आज तक अमेरिका क्यों दुनिया में बापू माना गया क्योंकि अलर्ट था हम अब बापू क्यों बन रहे हैं क्योंकि अलर्ट अब हो गए अलर्ट होते जाओगे दुनिया में बापू मानेगी लोग आपको अलर्टनेस चाहिए सतर्कता चाहिए खरेपन के लिए सतर्क रहते हैं अपने आप को जीवन के हर मौके पे हर कसौटी पे खरा उतार सकें इसके लिए सतर्क रहते हैं मैं सतर्क रहता हूं छोटी छोटी बातों में मेरे बच्चों को मैंने क्या टाइम पे बोला है कि मैं कितने बजे आऊंगा मैंने मीटिंग का क्या टाइम दिया है मैं सतर्क रहता हूं मेरे को जिस डिस्टेंस पे जाना है उस डिस्टेंस पे मैं कितने बजे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा मैं अलर्ट रहता हूं मैं अपने जीवन में अपने नॉलेज के लिए अलर्ट रहता हूं मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को कही हुई बातों पर कसौटी पर खरा उतार सकूं अलर्ट रहता हूं अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट करना है मैं अलर्ट रहता हूं अलर्ट और मैं कितना अलर्ट रहता हूं इस बात का एग्जाम्पल देता हूं मुझे याद नहीं है पिछले अट्ठारह सालों में मैंने अलार्म तो हर बार भरा मैंने अलार्म तो हर बार भरा पिछले अट्ठारह सालों में लेकिन अलार्म की क्या मजाल एक बार भी मुझे जगाया नहीं मैंने जागकर उसको पहले ही ऑफ किया अलार्म की गुलामी खत्म कल रात को मैं तीन बजे खत्म की थी मैंने स्लाइड्स और सारा काम और साढ़े तीन तक नींद नहीं आई क्योंकि मैं सात दिन हो गए मेरे को ये भारत का जो चल रहा है ना उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया ऐसा लग रहा है देशभक्ति में थोड़ी कमी रह गई क्यों क्योंकि काम तो इधर लग रहा था पूरा पूरा स्टडी करना पूरा मटेरियल को तैयार करना ऐसे टाइम पे देश अपने आप को उठा रहा था तो मैंने देखा नींद तो आ नहीं रही अब तीन बज गए तेरे को वापस अब साढ़े पाँच बजे उठना ही है तो तीस मिनट तो दुनियादारी को देख ले इतना अलर्ट उस साढ़े तीन के सोने के बाद भी जब साढ़े पाँच बजे अलार्म बजने वाला था क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है तुझे इसकी गुलामी नहीं करनी है आज तक मेरा अलार्म नहीं बजा ये बात कहने के लिए नहीं है मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी को घर पे आके पूछोगे तो आपको ये बात लगेगी कि जो कह रहा हूं वो सच है आप अपनी जिंदगी में अपनी अलर्टनेस को जितना विकसित करते चले जाओगे खुशकिस्मती चरणों में आके लौटेगी वेल्थ और हैप्पीनेस आपके पास आना ही पड़ेगा लेकिन आपको भाग्यशाली बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ये साइंस ने एक रास्ता बताया भाग्यशाली बनने का आपको वो गुजरना पड़ेगा समय की नब्ज और दूरदर्शिता के लिए सतर्क रहते हैं समय के नब्ज पता है दुनिया के जितने लोग भाग्यशाली कहे जाते हैं उनको टाइमिंग पता है किस टाइमिंग पे मारा जाता है किस टाइमिंग का ध्यान रखना है कब दुनिया में क्या होने वाला है जैसे यह भारत और पाकिस्तान के युद्ध की खबरें लगी थी कुछ लोगों को पता चल गया था मार्केट की रैली किस तरफ जाने वाली है स्टॉक्स किधर जाने वाले हैं कमोडिटीज किधर जाने वाली है और जो घटना भारत और पाकिस्तान में आज होगी ये ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने आज से बयालीस साल पहले अपनी प्रिडिक्शन से यह कह दिया था कि वह सन होगा दो वो सन होगा 2019 और ये बात मैंने साढ़े चार साल पहले जब कोर्स किया था वहां पर मैंने सुन ली थी 2019 होगा जो सेंसिटिव होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये प्रिडिक्शन कैसे कर पाए वो लोग अलर्ट रहते हैं अलर्ट क्योंकि दुनिया में एक सिद्धांत है रूल ऑफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई का एक सिद्धांत है कि दुनिया में कोई भी कोई चीज बिना कारण नहीं होती अगर दुनिया में कहीं बहुत बड़ा बवंडर आया होगा बहुत बड़ा तूफान आया होगा उससे सात दिन पहले तक कही न कहीं ना कहीं तितली ने अपने पंख बहुत गहरे से फड़फड़ाए होंगे लेकिन किसी किसी ने ने ध्यान किया और ने ध्यान किया होगा, नहीं किया होगा गूगल के सीईओ का पूरा रिसर्च कर लेना उसका स्पीच है बटरफ्लाई प्रिंसिपल के ऊपर कि जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है उससे पहले कि कोई संदेश कोई ना कोई संकेत मिलता है इस बटरफ्लाई प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ये है होने वाली घटना जो बवंडर के रूप में आएगी तितली के पंखों से उसका लिंक है और बटरफ्लाई सिद्धांत आपको प्रिडिक्शन करने में मदद करता है अलर्ट रहो समय की नब्ज और विजन के लिए रेडी रहो समय की नब्ज को पकड़ो 2016 से पहले क्या था रियल स्टेट समय की नब्ज को पकड़ो 2019 में आप एंटर कर चुके हो समय की नब्ज को पकड़ो कि दुनिया में हर एक बड़ी मंदी के बाद हर एक बड़ी दुर्घटना के बाद पीक जाता है बाजार पीक हर एक बोटम के बाद मार्केट पीक देखता है और हर पीक बोटम देखता है हर पीक बोटम इसलिए देखता है क्योंकि जब कोई वस्तु पीक पे जाती है तो एनर्जी खत्म हो जाती है इस पीक से और पीक पे जाने के लिए प्रकृति ने एक अनोखी घटना बनाई है जिसे ठप्पा कहा जाता है ठप्पा ठप्पा और फिर फिर पीक फिर एनर्जी खत्म फिर ठप्पा फिर पीक और हर बार पिछले हाई को पीक को तोड़ा जाता है ठप्पा के सोला में ठप्पा खाया था अब आप टेक ऑफ के लिए तैयार रहो क्योंकि लकी लोग वो हैं रे जो जीवन के चरणों में कभी कभी मूड बना तो सेलिंग कर ली कभी कभी मूड आया तो दो प्लॉट के लिए लोगों को बताने जाए मूड का काम नहीं है ये जीवन बनाने का निर्माण करने का काम है इसमें सृजन करना होगा अपने भाग्य का निर्माण खुद को करना होगा और जो हर हिस्से को जान के रहता है जो हर हिस्से को समझ के रहता है उसे अलर्ट कहा जाता है उसे ही अलर्ट कहा जाता है क्योंकि जो जिस आदमी ने शादी करने का मान लीजिए डिसीजन लिया घर में बेटी की शादी करनी है बेचारा कब से इन्वॉल्व होता है लड़का देखा उसको रोका फिर टीका लगन किया फिर शादी किया फिर वो सामान लाया गया ये सारे हिस्से में वो इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता तो जिस दिन शादी हो चुकी होती है वो रिलैक्स रहता है क्योंकि उसने पल पल का आनंद लिया है और जो लोग एन वक्त पे आते हैं ना शादी के दिन ही उनको चौंकता वाह गुड अच्छा किया है अच्छा किया है वेरी गुड बहुत अच्छा ये पता है क्यों चौंकते हैं ये अचानक प्रकट हुए हैं जो धरती पर अचानक प्रकट होते हैं वो चौंकते ही है ये क्या हो गया ये क्या हो गया अब जब मार्केट टेक ऑफ करेगा ना तो आप लोग देखना आप कहोगे रिलैक्स हमने सब देखा है हमने पहले पीक देखा बॉटम देखा फिर पीक देख लिया ये सब चलता रहता है हम रिलैक्स चौंकते वो हैं जो बीच बीच में समटाइमर बन जाते हैं आपको पता सेल्स की दुनिया में तीन तरह के लोग आते हैं फुल टाइमर पार्ट टाइमर समटाइमर समाइमर को जानते हैं आप मिस्टर इंडिया होते हैं लेकिन दिखते नहीं और कभी कभी लाल लालगढ़ी लालगढ़ लाल, लाल रोशनी आ गई तो फिर प्रकट हो जाते हैं सेल्स की दुनिया में आप अगर भाग्यशाली बनना चाहते हो समय के नब्ज को और दूरदर्शिता के लिए सतर्क रहो निर्णय लेने की क्षमता के लिए सतर्क रहते हैं भाग्यशाली लोग दुनिया उन्हें भाग्यशाली कह देती है और भाग्यशाली कहता है तू भाग्यशाली मत के उन घटनाओं को पता कर ले जो मुझे भाग्यशाली बना रही है उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भारी होती है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो डिसीजन लेने में चौंकते नहीं है वो डिसीजन लेने में ढीले नहीं रहते हैं दुनिया में बड़े से बड़े मॉडल बनाए हुए हैं डिसीजन के ऊपर साइंस बनी हुई है लेकिन भाग्यशाली लोगों को तो अपनी लाइफ में इतना पता है मुझे निर्णय लेना है अगर मैंने मौका नहीं उठाया अगर मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करके डिसीजन नहीं लिया तो पीछे रह जाऊंगा पूरी दुनिया में उन घटनाओं को याद करो जब जब लोगों ने अपने मौके लिए और उठा के उनके ऊपर रिस्पोंड कर लिया अगर आप भी रिस्पोंड करोगे और निर्णय लोगे तो आपकी एक गजब की क्षमता डेवलप होगी डिसीजन लेने की भारत में सत्तर साल से कितने अटैक हुए हैं हुए हैं कि नहीं हुए संसद के ऊपर हमला हुआ और भारत ने यूएन को यूएन को चिट्ठी लिखी हमारे ऊपर हमला कर दी कुछ तो करो साल हार्ट पे हमला हुआ था हार्ट पे और हम चिट्ठी लिखने गए थे यूएन को हमारे पर हमला हो गया कुछ करो ना तुम आपकी बार उसने बताया है उसने बताया है। और ओए सुनो रे भारत कुछ बड़ा करने वाला है अरे सुनो भाई भारत कुछ बड़ा करने वाला है बापू ने बताया आपके बार विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के आदमी को न्यूज पे अनाउंस करना पड़ा है भारत कुछ बड़ा करने वाला है कोई बड़ा जब ये बात बोलता है ना तो उसके लिए बड़ा कितना बड़ा होता है ये बड़े को ही पता होता है अपन क्या समझेंगे बात उसके लिए बड़ा कितना है अपने पास दो तीन हजार प्रति दो तीन हजार किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार वाले फाइटर प्लेन है उस उस ट्रंप के पास तीस हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले फाइटर प्लेन है धोनी की गति से तेज वाले वो कह रहा है भारत कुछ बड़ा करने वाला है उन्नीस सेकंड रहे उनकी धरती पे और ये बड़ा करके आ गए और इतना सा हुआ कल वापस उड़ा दिया मैं मैं किसी घटना से आपको कोई मैसेज देना चाह रहा हूं जब जब दुनिया में निर्णय लेने की शक्ति जिसमें होगी पूरा विश्व उसे पसंद करेगा निर्णय लेने की ही तो नहीं थी आज देश में निर्णय लेने की ताकत बन रही है ये देश आगे कितनी सरकारें आएंगी कितनी जाएंगी लेकिन एक चीज का ध्यान रखना भारत में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर डेवलप हो गई सौरव गांगुली से पहले का क्रिकेट अलग था सौरव गांगुली के बाद का क्रिकेट अलग हो गया पहले डिसीजन नहीं लेता था कैप्टन सौरव गांगुली से पहले भारत का कैप्टन बॉलिंग करने आ जाए फटती थी बॉलिंग नहीं करूंगा मेरे छक्के लग गए तो और दुनिया में जब से सौरव गांगुली ने आया क्रिकेट बदल गया बदल गया डिसीजन ले लिया और कितना जुनून और आक्रोश आ गया लंदन में टी शर्ट खोल के लहरा दिया और उसके बाद क्या आप डिसीजन देख लो चाहे विराट कोहली का देख लो चाहे आप धोनी के देख लो और आगे के डिसीजन देखते जाना आपकी जिंदगी में आने वाली पीढ़ियां तब भाग्यशाली बनेगी जब बाप डिसीजन लेगा अगर बाप ढीला रह गया बच्चे कभी डिसीजन नहीं लेंगे आज डिसीजन लेने की टाइम अपना है अपना निर्णय लो अपना डिसीजन लो निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता है क्या कह रहे ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है <laughs> भाग्यशाली नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली जीएसटी पे दुनिया ने गाड़ियां दे ली और हमला हो गया तब दुनिया ने निचोड़ लिया आप भाग्यशाली कह रहे हो उसके कलेजे को जाके देखो तो सही जिसको ये पता था साढ़े तीन बजे हमला करेंगे के दिन हमला करेंगे वो तेरा दिन सोया होगा क्या उसको तो तेरा दिन पहले पता था अरे अपने को ही तो सुबह बारह बजे खबर लगी है उसको तो पता था ना कब होने वाला है शौक के टाइम पे नहीं हो सकता बारह दिन पहले हम नहीं करेंगे भारत खुशी नहीं मनाएगा तेरहवीं दिन ही करेंगे ये पता था उसको अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया ये तो देश की घटना है जो आपको और हमें इशारा कर रही है क्योंकि बहुत सारे मोदी इस हॉल में भी बैठे हैं जो फ्यूचर में इस देश को चला सकते हैं <laughs> निर्णय लेने की कैपेसिटी बनाओ निर्णय लेने वाले लोग हजारों साल पहले भी थे आगे भी होते रहेंगे लेकिन भाग्यशाली उन्हें कहा जाता है जिन